अगर आप बड़े बड़े ये जो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिलियंस कमाए हैं, बिल गेट्स, बाकी ये वो, मुझे सारों के नाम नहीं आते, लेकिन कोई क्लास 11 में भाग गया यूनिवर्सिटी से, किसी ने किया, सो यानी कि उनकी जो स्किल्स थी वो उनको यहाँ पे लेकर गई। सो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे हायर एजुकेशन के लिए बन रहा है कि क्या 4 साल डिग्री 6 साल डिग्री जो है क्या वो रेलेवेंट रहेगी इस दुनिया में, या हुनर जो है वो रेलेवेंट होगा। और मेरा ख्याल है कि जो अभी स्टेटिस्टिक्स जावेद साहब ने बताए कि तकरीबन 4.5 लाख दरखास्तें आई हैं और उनमें से तकरीबन 70,000 ऐसे लोग हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं। व्हाई आर दे कमिंग फॉर स्किल्स ट्रेनिंग? दे आर कमिंग फॉर स्किल्स ट्रेनिंग बिकॉज द डिग्रीज दैट दे हैव आर नॉट रेलेवेंट टू द जॉब मार्केट। अगर वो रेलेवेंट होती जॉब मार्केट की तो उनको जरूरत नहीं थी कि वो आके स्किल्स की ट्रेनिंग हासिल कर। तो हमारे लिए जो हम एजुकेशनिस्ट, मैं तो एजुकेशनिस्ट उस लिहाज से नहीं हूँ लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, बाकी फैकल्टी जो यहाँ बैठी है, उनके लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अपनी हायर एजुकेशन को किस तरह रेलेवेंट बनाना है, और उसको रेलेवेंट बनाने का और क्वालिटी को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। सो ऑब्वियसली हमें अपने करिकुलम्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे करिकुलम जो हैं वो जॉब मार्केट के साथ हम आहंग होंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। सो आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस फॉर इयर्स नाउ, और मैं अब फिर कहता हूँ कि हम अपने करिकुलम्स को बड़े गौर से जायज़ा लें, और गौर से जायज़ा लेने के बाद ये फैसला करें कि ये करिकुलम हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो फिर उसको हम रिवाइज़ करें।